सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टी वी रोहित। एंड एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज का कुछ नॉर्मल सा ही टॉपिक है, एंड बाहर ठंड है, सो हमने सोचा क्यों ना अपने हेलमेट पे माउंट की जाए, क्योंकि आपने पिछली वीडियो पे तो देखा ही होगा कि जो मेरा चेन माउंट था वो टूट गया था, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी जो थी वो बेकार थी। सो किसी ने भी परचेज करना हो तो उसे ना लें, और उसकी जगह एक और चीज़ है, तो एक ये माउंट है, इसके साथ पीछे एम सील लगी होती है, एम सील या फिर डबल टेप बोल सकते हो आप, डबल टेप लगी होती है, एम सील तो हम लगाएंगे। तो अभी इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं अपने हेलमेट पे, और इस हेलमेट पे इंस्टॉल करूँगा। अगर सक्सेसफुल रहा तब तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो बर्बाद। और वीडियो शुरू करने से पहले थैंक्स फॉर माई यूट्यूब फैमिली, बिकॉज आपने जो पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिया, मतलब कि 2 घंटे में कम से कम 200+ व्यू हो गए थे। सो प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। सो करते हैं वीडियो शुरू। एंड वो ये वाला माउंट था जो टूट गया था, इसका जो ये क्लिप था, पहले भी मैंने जुगाड़ लगा रखा था बट वो थोड़ा बहुत चलता था, पर पिछली वीडियो के दौरान वहाँ पे टूट गया था। सो वीडियो मैं पूरी नहीं कर चुका था, वहीं पे एंड कर दी थी। सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मैंने इस हेलमेट पे भी माउंट कर रखा है, सो ये मैंने ट्राई करने के लिए लगाया था बट अच्छा लगा। और ये हेलमेट जो है पीछे से खुला बहुत है, सो ये टिकता नहीं है, इसका जो है गर्दन पे ऐसे आ जाता है आगे को, सो वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं है ये। मतलब नॉर्मल कहीं आसपास जाना हो तो इसे पहन के जाता हूँ, एंड कभी वीडियो बनानी हो तो एक ये, एंड सेकंड वन एक और है जो अभी अभी आपने नहीं देखा होगा, बट ये रहा एक, ये भी है बट ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, पर परफेक्ट मेरे लिए तो यही है क्योंकि इसके अंदर की कुशनिंग जो है वो बहुत सही है। एंड किसी को भी परचेज करना हो तो अमेजोन से भी कर सकते हैं। सो करते हैं वीडियो शुरू, कैसे माउंट करते हैं और कैसे क्या होता है, लेट्स गो। सो अभी हम ये चेन माउंट लगाने जा रहे हैं इस हेलमेट पे, सो देखते हैं कैसा और क्या बनता है। फाइनली हम इसको लगाने वाले हैं, और इससे पहले मेरे ख्याल से हमें एम सील भी साथ में ले लेनी चाहिए, बिकॉज इसको भी जोड़ना है, तो नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, इसमें थोड़ा सा ऐसे हम तो कैसे रखते हैं, फर्स्ट टाइम है, ज़्यादा माइंड नहीं करना। आ चुकी है और ये बहुत हार्ड है, तो अभी कोशिश करेंगे। भाई बहुत मुश्किल है ये काम, सोचा जितना था उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी जैसे तैसे करके जुगाड़ तो लगाई थी, मुझे लगता है थोड़ा गलत लगा है, बट नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। एंड ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है फिक्स करने के लिए, इससे प्रेशर डालती है ये, और ये कम से कम आपको 10 से 12 घंटे रहने देना है, या फिर एक दिन भी रहने दे सकते हो आप, तब एक दिन रहने देते तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, ये वन एक और है मेरे पास, तो मैं दोनों को ही लगा दूंगा, क्योंकि जो नीचे वाली टेप वाला साइड था वो तो फिक्स है, बस ये एमसीयू की जरूरत है। अब जाके आप देख सकते हो ये दोनों फिक्स हो चुके हैं, मेरे पास एक और माउंट था, एक ये माउंट है, यहाँ से टायर उसमें यहाँ तक आएगा और ऐसे लगता है, या फिर हम ऐसे भी लगा लेंगे तभी इसको अप को कर देंगे, मतलब सही आ जाएगा। ये तो हो गया फिक्स है, जैसे रहने देंगे एक दिन,
के लिए अब कल देखता हूँ कैसा बना क्या बना। तो इसी के साथ फिर से एक बार इसका भी कर ही देते हैं गान। तो माँ बहन तो एक भी कर ही चुके हैं, तो क्यों ना इसकी भी कर ही दें, बिकॉज ये आप लोग मैन। तो अब ये डबल टेक वाला अमाउंट मुझे कहीं कहीं से मिल गया, बिकॉज इसमें बहुत सारे अमाउंट आए हुए थे। तो अभी इसको भी लगा ही देते हैं वो भी बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ेगा, ये ध्यान से का लगाना है इसे करके। तो अभी साइड से गैप रह रहा है इसके, तो अभी साइड में हम कुछ और चिपकाने वाले हैं, कुछ और मतलब ये ध्यान से इसकी आउटर साइड एरिया में लगाएंगे ताकि ये फिक्स रहे, डबल टाइम अपना काम करती रहेगी या चील अपना काम करती रहेगी, दोनों झगड़ेंगे नहीं आपस में कि इसको मेरे साथ क्यों मिलाया। और बहुत ही जल्दी एक और नई चीज आने वाली है, अगर देखनी है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है उसको दबा दो, हथौड़ा लेके चाहे पत्थर लेके डंडा लेके कोई भी चीज लेके मतलब ठोक दो, इतनी जोर से भी मत ठोकना किसी को नहीं टूट जाए। अभी हमारे साथ राणा जी हैं, इन्हें इनकी शक्ल दिखाई आप ध्यान से, ये बोल रहे थे कि इन्हें भी ब्लॉगर बनना है, तो एक और ब्लॉगर तैयार हो रहे हैं हैशटैग बेस्टी। और कैमरामैन जो हैं हमारे वो पहले से ही ब्लॉगर हैं, वो खड की वीडियो डालते हैं नदी किनारे की, जहाँ पे वो मतलब एक कभी केंकड़ा पकड़ते हैं कभी मछलियाँ, इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हो। वैसे आपका नाम क्या? फाइनली 1 2 3 तीनों तैयार है। और ये अपना पहला हेलमेट जो कि राणा जी का था, जो कि यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब हम स्कूटर चलाया करते थे, तो अभी तो इसकी माँ बहन हो चुकी है, बन सकता है अगर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो जाए इसमें, तो बहुत अच्छा हेलमेट है ऐसी बात नहीं है। ये खुलता कहाँ से था? हाँ यहाँ से खुलता था, ये देख सकते हो एक साइड से आप ऐसे थूकने के लिए निकाल सकते हो इसे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि क्यों हम आज बाहर वीडियो नहीं बना रहे हैं, सो ये रीज़न है। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो सूरज भैया छुप चुके हैं बादल में, और पूरी तरह मौसम ठंडा है, चारों तरफ बादल हैं, सर्दियाँ बढ़ चुकी हैं, जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है चारों तरफ बादल हैं। तो यहाँ से लोकेशन मिलती है कुछ ऐसी, और वो जेके के पहाड़ थोड़े से। तो होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करने का, और थैंक्स फॉर अमु भाई जिन्होंने मेरा कैमरा पकड़ा हुआ था एंड जो वीडियो शूट कर रहे थे। और यहाँ पे अपने राणा जी के लिए कोई लड़की पटा दे, बहुत उदास रहते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।